ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि कुछ संबंध आत्मिक होते हैं, तो क्या हमारी आत्मा के साथ हमारे पुराने आत्मिक संबंध भी जीवित रहते हैं, या वो संबंध भी पुराने शरीर के साथ दम तोड़ देते हैं? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष नैथानी और वो सुनाएंगे उनके साथ घटी एक सच्ची घटना, जब उन्हें लगा कि वो उत्कर्ष नहीं बल्कि जीतू बगड़वाल है शायद। मैं गढ़वाल का रहने वाला हूं, हालांकि मैं कभी वहां गया नहीं, मैं तो वहां की बोली भी नहीं जानता। फिर भी एक दिन मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं पिछली कुछ रातों से सपनों में गढ़वाली में बड़बड़ाता हूं। पर इससे भी अमेजिंग तो यह था कि मैं सपने में जीतू बगड़वाल होता हूं और अपनी सदियों पुरानी प्रेमिका भरना से बातें करता हूं। आई वॉज शॉक्ड और इन सपनों से परेशान होके मैंने खुद उत्तराखंड जाकर इस जीतू बगड़वाल और उसके सपनों की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। और वहां जाकर पता चला ये जीतू बगड़वाल एग्जिस्ट। वो 17वीं सेंचुरी का एक जमींदार हुआ करता था। गांव वाले आज भी किसी देवता की तरह रिचुअल करके उसकी आत्मा को बुलाते हैं। ये जीतू ते सो बनूला गरीबा का बेटा, जीतू ते सो बनूला गरीबा का बेटा, माता ते सो मेरा छे छुटी बोले सो बनी। योद्धा तो बेजोड़ था जीतू, रूप और बांसुरी बजाने की कला तो उसके पास ऐसी कि पहाड़ की हर लड़की उसकी दीवानी थी। पर जीतू सिर्फ भरना का था। एक बार रोपाई का मौसम आया और रोपाई की तिथि निकालने पंडित जी आए। पाए लागो पंडित जी, आइए आसन ग्रहण करें। पंडित जी, हमें बगुड़ी के थोकदारी खेत की रोपाई की बड़ी चिंता हो रही है, कोई तिथि देख के बताइए। थोकदानी जी, रुपाई की तिथि है 9 गते आषाढ़ और तिथि कन्या राशि से जुड़ी है, इसीलिए ये शुभ काम कन्या राशि में जन्मी आपकी बेटी शोभनी के हाथ से ही करना होगा। पर पंडित जी, शोभनी तो इतनी दूर कठोर गांव में भी आई है। हाँ, और फिर रास्ते में खैंट पर्वत की आछरिया भी तो इसी मौसम में जगती हैं, वो उड़ सकती हैं, जहाँ चाहे प्रकट हो सकती हैं, जिसके चाहे प्राण ले सकती हैं। वो परियों जैसी सुंदर भली हो पर पिशाचों जैसी बेरहम होती हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा बहन को लेने, ये काम किसी को तो करना ही होगा ना माँ। और जीतू अपने दोस्त मोलू को साथ लेकर कथुड़ गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। जीतू और मोलू खेंट पर्वत के ऊंचे नीचे रास्तों पर चले जा रहे थे कि तभी जीतू ने एक सुंदर आवाज सुनी। खेजाली माजी बेरियों की दानी, आँखों माचूंद आंसू को पानी, राते की जून जब धार आली। मोलू तूने सुना भरना की आवाज? दोस्त, भरना मुझे बुला रही है। दोस्त जीतू, हमने कहा था हम रास्ते में भरना की बात नहीं करेंगे। क्या करूं मोलू, जब तक ये सांस है मैं भरना को भूल नहीं सकता। मोलू, शोभनी को लेने तू चला जा, मैं
मैं भरना से मिलकर आऊंगा। पर जीतू सुन तो। उधर मोलू शोभनी की ससुराल के लिए निकला और इधर जीतू घोड़े से उतरकर बांसुरी बजाने लगा। वो चाहता था कि बांसुरी की आवाज सुनकर भरना जान जाए कि उसका जीतू आ गया है, पर बांसुरी की आवाज सुनकर आचरिया जाग गई। आचरिया आर काइंड ऑफ इविल फेरीज, जो दिखती बेहद खूबसूरत है बट आर विथ इविल पावर्स। बहनों सुनो तो, इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है? किसकी बांसुरी हमारे प्राण खींचे लिए जा रही है? अरे वो देखो कैसा सुंदर राजकुमार, वो तो जीतू है। हमें जीतू चाहिए, चलो उसे लेकर आते हैं। जीतू हा? ए जीतू, तुझ पर हमारा दिल आ गया है, तुझे हमारे साथ चलना होगा। जीतू 100-100 लड़ाकों से लड़ सकता था, पर वो जानता था कि इन आचरियों से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती, इसलिए उसने उनके सामने हाथ जोड़ के विनती की। हे आचरियों, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों के, मुझे जाने दो। तू जान से भी जाएगा जीतू। सुनो भरना मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाने दो। मैं उससे नहीं मिला तो वो मर जाएगी, तुम्हारे कारण दो लोगों की जाने जाएंगी, मुझे जाने दो चरियो। तो ठीक है जीतू, तू जा और भरना से आखिरी बार मिल गया, पर तुझे वचन देना होगा कि उसके बाद तू सदा के लिए हमारे साथ चलेगा। सोचता क्या है जीतू, वचन दे। ठीक है मैं वचन देता हूँ, मैं भरना से मिलने के बाद 9 अगस्त आषाढ़ को रुपाई के लिए अपने खेत में पहुंचूंगा। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें अपने सारे कुनबे के साथ। तुम उन सब के सामने मुझे ले जाना, ताकि दुनिया कभी ये ना सोचे कि जीतू ने अपना वचन नहीं निभाया। और आचरियों को वचन देकर जीतू उदास मन से निकल पड़ा अपनी भरना से मिलने। जीतू तुम आ गए। जीतू मैं जानती थी तुम जरूर आओगे अपनी भरना से मिलने। कितने मौसम आए और लौट गए, पर तुम नहीं आए। सारी दुनिया ने मुझे ताने दिए, फिर भी मैं जिंदा रही, क्योंकि क्योंकि मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। जीतू तुम चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो जीतू, तुम ऐसे दुखी क्यों हो? भला अपनी भरना के पास रहकर जीतू दुखी हो सकता है? नहीं जीतू, तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ जीतू क्या हुआ है तुम्हें? भरना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिसे तुम कभी ना भुला सको। कहो तो मैं जान भी दे सकता हूँ वरना। जीतू तुम मांगो ना कुछ भी। अगर कुछ देना ही चाहते हो मुझे तो जीतू अपनी सुंदर आवाज में बस एक गीत सुना दो, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। बुरा सा कीटली बरा मिनो की होड़ी वो बरा वसुंधरा ऋतु बोड़ी आली सली सो फिरो तेरी मेरी भेंट सड़ी होनी के ना होनी। जीतू के इस गीत का मतलब था
पहाड़ की वादियों में फिर से फूल खिलेंगे, फिर बहारें आएंगी, पर मेरी भरना, तब मैं तुमसे दूर जा चुका हूंगा। और गाते गाते जीतू का गला रुंध गया और जीतू, जीतू रुक जाओ, जीतू जीतू मत जाओ, मत जाओ जीतू, रुक जाओ जीतू। भरना पुकारती रही पर जीतू नहीं रुका, वह दूर घाटी में चलता चला गया। और फिर वो दिन आया, नौ गटे आषाढ़, जब जीतू के खेतों में ढोल बाजे के साथ रोपाई की रस्म हो रही थी, पूरे परिवार के बीच खुशियां मचल रही थी। पर तभी आचरिया जीतू को लेने आ गई। जीतू, ए जीतू, चल जीतू, देख हम आ गए, अब अपना वचन पूरा कर जीतू। बस दो पल रुक जाओ, मैं चलूंगा, पर पहले मुझे अपनों से विदा लेने दो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी भरना। तुझे अभी चलना होगा, अभी इसी पल। अपना ख्याल रखना भरना। जीतू अपनों से, अपनी भरना से गले मिलने को तड़पता रहा, उसके अपने बिलकते रहे, पर आचार्यों ने उनकी एक नहीं सुनी और वो सब उसे खींचते हुए पाताल में ले गए। जीतू नहीं, जीतू। सवाल है कि क्या उत्कर्ष जीतू का पुनर्जन्म था, या मुमकिन है कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ से जीतू की ये कहानी सुनी हो और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक कहानी को जन्म दिया जिसमें वो खुद जीतू का पुनर्जन्म थे। खैर, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो इतना बुरा नहीं था, पर जब हमें ये स्टोरी रिकॉर्ड किए कुछ दिन हो चुके थे, तभी एक दिन अचानक उत्कर्ष की माँ का फोन आया। हेलो डॉक्टर नागर, डॉक्टर उत्कर्ष पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? रात को अपने बिस्तर से अचानक गायब हो गया। I'm really worried about him. वो यहीं कहीं होगा। नहीं, वो कह रहा था कि उसे कुछ रातों से सपनों में आचरिया दिखती है और कहती है कि जीतू तुझे हमारे साथ चलना होगा, ऐसा कुछ। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि? My God, it was shocking for all of us, और आपके लिए भी शायद। तो कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर उत्कर्ष की तरह आप भी कह पड़ेंगे। और एक आखिरी बात, सपने हमारे बीते हुए कल का आईना होते हैं, इसलिए सपनों को हल्के में मत लीजिएगा। ओके, शुभ रात्रि। फीवर